अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की हत्या कर शव उसके सगे भाई के दरवाजे के सामने लाकर डाल दिया गया। शव मिलने के बाद इलाके में हलचल मच गई। शव मिलने की सूचना पर गांव के लोग मौके पर एकत्र हो गए और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के सिर और सीने पर चोट के निशान मिले, फिर से घाव के चलते खून बढ़ने के भी निशान है, लेकिन मौके पर खून नहीं मिला। इसके चलते आशंका जताई जा रही है कि अधेड़ की हत्या कहीं और की गई और वारदात के बाद शव को सड़क किनारे लाकर फेंक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रकरण में मृतक के सगे भाई बिंदेश्वरी प्रसाद यादव ने पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल खंडासा पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ये सुबह 7 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी, जो है कि अननोन डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर एसओ खंडासा और हम लोग पहुँच कर इसकी तस्दीक किया गया तो ग्राम सरौनी राय का रामनाथ का पुरवा विंध्या प्रसाद सानाफ रामसबद, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, पता चला। और इनके सगे बड़े भाई बिंदेश्वरी प्रसाद के घर के बगल में ही ये डेड बॉडी मिली है, जिसे इनके भाई द्वारा पहचान की गई है। देखने से प्रथम दृष्टया सर पे चोट के निशान है, हत्या प्रतीत हो रही है। इनके भाई द्वारा तहरीर दे दी गई है, तेज कार्रवाई की जा रही है। शव को PM हेतु रवाना किया जा रहा है।